लंकेश रावण की माता, कैकसी के मन में देवी मंदोदरी के पति, घृणा का बीज उत्पन्न हो चुका है जो कालांतर में एक वृक्ष बन जाएगा। उमा ने मंदोदरी का विवाह लंकेश रावण से तो करवा दिया, किंतु देवी मंदोदरी के समक्ष अब कई परीक्षाएं आने वाली हैं, जिनका सामना देवी मंदोदरी को स्वयं करना होगा। प्रभु प्रभु, लंकेश रावण के मध्य कहीं युद्ध न छिड़ गया हो? अगर ऐसा हो गया तो प्रभु अपना पुराना स्वरूप पुनः प्रकट कर लेंगे और एक बार पुनः सहारण आरंभ हो जाएगा। प्रभु परशुराम जी आ गए। काकराज जी, भाग्य प्रबल है लंकेश रावण का जो वाटिका में मुझे नहीं मिला। यदि उससे भेंट हो जाती और मंगल देव मुक्त हो जाते तो उसका वध निश्चित था आज। प्रभु, महादेव ने लंकेश रावण के प्राण बचाकर इस संसार को विनाश होने से बचा लिया है। प्रभु, अगर आप उनका वध कर देते तो आपका पुराना रूप पुनः स्वरूप हो जाता और फिर इस संसार को विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता था प्रभु। किंतु प्रभु, लंकेश रावण का वध तो प्रभु श्री राम के हाथों लिखा है। यदि उसने मंगल देव को शीघ्र ही मुक्त नहीं किया तो मैं अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा काकराज। कुछ कार्य बिना युद्ध के भी किए जा सकते हैं प्रभु। मैं कोई ना कोई युक्ति लगाकर मंगल देव को लंकेश रावण से मुक्त करा लूंगा प्रभु। तब तक आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। किंतु ये कार्य आपसे कैसे हो पाएगा काकराज? प्रभु, अगर मैं अपने कार्य में असफल रहा तो आपको मैं नहीं रोकूंगा। मेरे पास एक युक्ति है प्रभु, और मैं उस युक्ति में नल और नील को सम्मिलित करना चाहता हूं प्रभु। हाँ प्रभु, काकराज जी की प्रार्थना सुन लीजिए ना। हाँ, हम दोनों नल नील मिलकर मंगलदेव को मुक्त कराने में काकराज जी की सहायता करेंगे प्रभु। उचित है, कल प्रातः होते ही आप तीनों वाटिका के लिए प्रस्थान करेंगे। जी प्रभु। जाओ मेरे वानर वीरों, जो गहन निद्रा में सोए हुए रावण, वो मुद्रिका निकाल के लाओ। जाओ, ये लो। ये पुष्प हमें लंकेश रावण के नासिक के पास ले जाना है ताकि वो कुछ समय के लिए मूर्छित रहे। नहीं नहीं, अभी इन्हें जगाना उचित नहीं होगा। वैसे भी स्वामी कल लंका से आकर रात्रि में अधिक चिंतित लग रहे थे। इनके जागने के उपरांत ही इनसे माता के बारे में पूछ लूंगी।
दासियों से कितनी बार कहा है, खुले में वस्त्र ना रखें, इनमें धूल बैठ जाती है, पर ये सुनती कहाँ है? मारे गए नील, वो डंडा लेकर आ रही है, कदाचित इस कपड़े की धूल जाड़े। फिर तो हमारी हड्डियों का चूरा बन जाएगा, अब तो भाग भी नहीं सकते। ये स्वर कैसा, जैसे कुछ टूटा हो। अकस्मात मेरी मटकी किसने फोड़ दी? कौन हो सकता है यहाँ? शीघ्रता करो नील। बहुत बढ़िया मेरे वानर वीरो, बहुत बढ़िया। सावधान, कौन हो तुम लोग? वानर बालक लंकेश की वाटिका में। महारानी जी शीघ्र आइए। ये तो पकड़े गए, अब क्या होगा? क्या हुआ सैनिक? प्रतीत होता है ये दोनों वानर बालक यहाँ को चुराने के लिए आए हैं महारानी जी। हम कोई चोर नहीं, अनाथ है महारानी जी। हमारे माता पिता नहीं है, हमें कोई भोजन भी नहीं देता, इसलिए भोजन की खोज में हम इस वाटिका में आ गए। तुम जाओ, कितने प्यारे वानर बालक हो, भूख लगी है, आओ मैं भोजन देती हूँ। मुद्रिका तो दिख गई, किंतु अगर मैं उसे लेने गया तो वो दुष्ट सैनिक मुझे देख लेगा जो गिद्ध की भांति खड़ा है। बैठो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इस संकट से निकलने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी नल। हाँ, क्योंकि इस पुष्प का प्रभाव समाप्त होते ही लंकेश भी जाग सकते हैं। ये लो, निसंकोच खाओ, मैं अभी आती हूँ।
यदि मुद्रिका उठाने गए तो सैनिक हमें पकड़ सकता है। चिंता मत करो नल, वो देखो काकराज जी अपनी युक्ति लगा चुके हैं। अंततः ये मुद्रिका मिल ही गई, अब मंगलदेव मुक्त हो जाएंगे। कौन हो तुम दोस्त जो मेरी मुद्रिका चुराने आए हो? तू तो वही दुष्ट काक है ना जिसने हमारी धर्म पत्नी को आहत किया था। और अब मेरी मुद्रिका चुराने आया था, किसने तुम्हें भेजा है? शीघ्र बताओ मुझे। नलनील, भागो यहां से, शीघ्र भागो। नलनील, अंततः तुम दोनों मेरे हाथ लगी गए। बहुत अच्छा किया तुमने मायावी, ले आओ इन्हें मेरे पास। अब नहीं बचोगे, बहुत दौड़ाया तुम दोनों ने मुझे, चलो। ये तो वही काक है जिसे मैंने परशुराम के साथ देखा था। अब समझ आया कि उस परशुराम ने मेरे पास इन्हें मेरी मुद्रिका चुराने भेजा था। किंतु अब ये तीनों मेरे बंदी है। परशुराम मेरे साथ अपनी बुद्धि लगा रहा था, किंतु अब उसे समझ में आएगा लंकेश रावण क्या अपनी बुद्धि लगाता है। तो ये सभी मंगलदेव को मुक्त करवाने आए थे, किंतु इन्हें तो स्वामी ने पकड़ लिया। अब ना जाने कि इनके साथ क्या करने वाले हैं। काकराज और नलनील अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे उन्हें लंकेश की वाटिका में नहीं भेजना चाहिए था, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं पड़ गए। कैसा संदेश? पहले मेरा कंठ तो छोड़। शीघ्र बताओ, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नलनील और काकराज को लंकेश रावण ने बंदी बना लिया है।
अभी तो क्या बोल रहा है मायावी। हाँ, और यदि आप उन तीनों को जीवित देखना चाहते हैं तो शेष चार बाणों को लेकर मैनपुरी के वन में पहुंचना होगा। ऐसा लंकेश रावण ने बोलने को कहा था, मैं चलता हूं, समय पे पहुंच जाइएगा। धन्यवाद। आइए परशुराम। बहुत इच्छा थी मुझे आपसे भेंट करने की। अंततः देखिए, भाग्य ने आज पुनः हम दो शिव भक्त को मिला ही दिया। आपका स्वागत करता है लंकेश। काकराज और नलनील कहाँ हैं लंकेश? मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? किंतु आपके वो चार बाण भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं जो आप मुझे सौंपने वाले हैं। ये रहे वो चार पांड। अब बताओ काकराज और नलनील कहाँ हैं? क्षमा करे प्रभु, मेरे कारण आपको लंकेश रावण के समक्ष आना पड़ा। प्रभु मैं अपने कार्य में असफल रहा। प्रभु कोई बात नहीं काकराज, आप सब कुशल तो है ना? जी प्रभु। प्रभु हम तो कुशल हैं, किंतु आपसे याचना करते हैं कि आप हमें लंकेश रावण से मुक्त ना कराएं। इससे तो आपका उद्देश्य ही निकल जाएगा। प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आप इतनी लंबी यात्रा पर निकले हैं। प्रिय काक जी, यदि ये बात आप हमें पूर्व में ही बता देते तो हम आप तीनों महानुभावों को वाटिका में ही समाप्त कर देते। तुम तीनों को यहां लाने की आवश्यकता तो ना पड़ती। दुष्ट सर, मेरे रहते तू इनका आहित करेगा? महादेव की सौगंध, यदि किसी ने इन्हें छू भी लिया ना तो परशुराम 100 जन्मों तक इसी परशु से उनका सर धर से अलग करता रहेगा।
मूर्ख, हम यहाँ परशुराम का आवेश जागृत करने नहीं अपितु अपना हित साधने आए हैं, इसलिए शांत रहो। क्षमा कीजिए लंकेश, मैं शांति रहूंगा, आप ही वार्तालाप कर लीजिए। परशुराम, आपको तो ज्ञात ही होगा कि आपको मैंने यहाँ क्यों बुलाया है। आप अपने वो चार बाण मुझे सौंप दीजिए और अपने प्रियजनों को यहाँ से ले जाइए। उचित है लंकेश रावण। क्या हास प्रयास कर रहे हैं आप मेरे साथ? ये बाण नीचे क्यों नहीं आ रहे? ये महादेव के रुद्र बाण है लंकेश, जो स्वयं महादेव ने मुझे सौंपे हैं। इतनी सरलता से ये तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे।